हेलो एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीकॉम ऑनर्स की जो बुक है सेमेस्टर 6 की, ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो आज हम इस बुक को स्टार्ट करेंगे। इस बुक की यूनिट 1 का चैप्टर 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, अब हम करेंगे आज इसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट। और इस बुक के नोट्स भी बन चुके हैं, अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो जो स्क्रीन पे नंबर शो कर रहा है ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पे मुझे मैसेज कर सकते हो कि हमें नोट्स परचेज करने हैं। और आप मिनिमम अमाउंट पे करके इजीली नोट्स की सॉफ्ट कॉपी को बाय कर सकते हो जिसमें ऑल चैप्टर्स होंगे सारे, ठीक है। ये सीरीज बीकॉम ऑनर्स रेगुलर SOL और NCVAP के जो सेमेस्टर 6 के बच्चे हैं उनके लिए बनाई जा रही है बेसिकली। अगर आपके पास ऑडिटिंग की बुक है तो ये सीरीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं इसका चैप्टर नंबर टू यहाँ पे मेंशन करा गया है ऑडिटिंग, ऑडिट प्लानिंग एंड इंटरनल कंट्रोल। चैप्टर 1 ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुके हैं और जितने भी बाकी के चैप्टर्स हैं इन सब की वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल के दे देंगे, जहाँ पे एक एक करके आप लाइन वाइज सारे चैप्टर वाइज वॉच कर सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स स्टडी व्हाट पॉइंट्स वी डिस्कस इन दिस चैप्टर। चैप्टर नंबर 2, ऑडिट प्लानिंग एंड इंटरनल कंट्रोल्स। सो सबसे पहले बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि ऑडिट प्लानिंग क्या है, ऑडिट प्रोसेस क्या है, ठीक है। ऑडिट प्रोसेस के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि पहला और दूसरा पॉइंट यहाँ से ये दोनों, फिर हम ऑडिट प्रोग्राम जो है वो चेक करेंगे, फिर हम ऑडिट नोटबुक पढ़ेंगे। ऑडिट नोटबुक के बाद हम जो रिवाइज करेंगे वो है हमारा ऑडिट वर्क पेपर्स, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक। फिर हम इनके डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंशिएशन बिटवीन इंटरनल ऑडिट और सॉरी इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक। फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट। फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे इंटरनल ऑडिट और स्टेचुअरी ऑडिट्स के बीच में, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो रीड करने जा रहे हैं वो है हमारी सबसे 2.1 ऑडिट प्रोसेस क्या है। ऑडिट प्रोसेस इज ए सेट ऑफ एक्शंस एंड प्रोसीजर्स टू कंट्रोल एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑडिट प्रोसेस एक एक्शन है, एक कार्य है, मतलब कि एक तरह से जब कार्य करते हैं वो एक्शन जो होते हैं वो एक्शंस और एक प्रोसीजर का तालमेल है जो पूरे कंट्रोल करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को, इसको ऑडिट प्रोसेस भी बोला जाता है। ऑडिट प्रोसेस का जो एम होता है बेसिकली टेस्ट एंड प्रूव दैट प्रोसेस एंड बीइंग कंडक्टेड इफेक्टिवली, मतलब कि काम को सही तरीके से कुशलपूर्वक ढंग से किया जाना है और उनके साथ ही साथ उनके जो मैकेनिज्म्स होते हैं जो फॉलो करनी होती है, कंट्रोल एंड टेक्निक्स, ये उन सबको भी देखता है। ऑडिट की जो डिटेक्टिंग एम होती है वो होती है अपॉर्चुनिटीज और इम्प्रूवमेंट को करना। ऑडिट प्रोसेस का बेसिक एम होता है कि इसमें जो करे जाने वाले कार्य हैं उनको एफिशेंसी, मतलब कि कुशल ढंग से प्रोवाइड करा जाए, ठीक है। आगे लिखा है उसके बाद पॉइंट नंबर 2, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट प्रोसेस। ऑडिट प्रोसेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे एक हेडलाइन लिखी है, वेरीफाई दैट ऑल कंपनी प्रोसेस आर इलाइन विद दिस स्ट्रेटजिक विजन। हमें ये वेरीफाई करना है कि जितनी भी कंपनी प्रोसेस है वो सारी एक अलाइन करी गई है जो स्ट्रेटजिक विजन के ऊपर है, मीन्स वो एक कुशल ढंग से सुचारू रूप से चल रही हो, ठीक है। ऑडिट्स में दो तरह की ऑडिट्स हो सकती हैं, एक इंटरनली कस्टमर्स नीड हो सकती है और एक एक्सटर्नली वंस वांट होती है, ठीक है। इसको इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट्स भी बोल सकते हैं। सो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है उद्देश्य, इवेलुएट करना ऑपरेशनल एफिशिएंसी और प्रोसेस को। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है वेरीफाई करना कोई भी प्रोसेस चेन को जो प्रोटेक्ट करती है किसी कंपनी की असेट्स को। तीसरा, किसी भी तरह के फाइंड आउट करना कंपनी की इंफॉर्मेशन डेटा जो कि सिक्योर और रिलायबल हो, ठीक है, रिलायबल। उसके बाद फोर्थ आता है, इवेलुएट करती है, प्रोसेस करती है, डिटरमाइन करती है कि जो भी रिलायबल चीज़ें हैं उन सबको। फिफ्थ पॉइंट है, चेक करती है इनकरेक्ट प्रोसीजर्स ड्यूरिंग प्रोसेस, कि जो भी चीज़ें गलत हो रही हैं, सही तरीके से नहीं करी जा रही हैं, तो वो उनकी गलतियां सफाई करती हैं, गलतियों को छांट के ठीक करा जाता है। पॉइंट नंबर फोर्थ है यहाँ पे, रिपोर्टिंग करती हैं, रिपोर्टिंग डिटेक्टेड फेलियर और नॉन कंफर्मेटीज, मतलब कि जो भी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से आगे हमें नुकसान हो सकता है तो उन चीज़ों को पहले ही समझ के चलना होता है।
6 है, प्रोवाइड करती है रिकमेंडेशंस और अप्रोबेशंस करेक्शंस, जो भी करेक्शंस होती हैं, जो रिकमेंडेशन होती हैं वो ही हमें प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ ऑडिट प्रोसेस। ऑडिट प्रोसेस की स्टेजेस क्या होती हैं? ऑडिट प्रोसेस को सही तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस में करने के लिए यहाँ पर ऑडिट प्रोसेस बनाई गई है। ऑडिट प्रोसेस के कुछ पार्ट्स हैं जिनको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला जो इसका पार्ट है वो आएगा प्लानिंग, ये आपको दिया हुआ है। प्लानिंग के अंडर जो है सब इसके पॉइंट्स आएंगे, जिसमें आपका सैंड ऑडिट आएगा, गैदरिंग बैकग्राउंड, आइडेंटिटी, आइडेंटिफाई रिस्क, क्रिएट ऑडिट प्रोग्राम्स, जो यहाँ पे आपको बॉक्स में लिखे हुए मिल जाएंगे। फिर उसके बाद दूसरा इसका पार्ट है फील्ड वर्क का। फील्ड वर्क जो है वो होगा। फिर फील्ड वर्क के बाद नीचे जो है इसका नेक्स्ट वो आएगा रिपोर्टिंग, फिर आएगा फॉलो अप। ठीक है, तो हम इनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। नीचे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग क्या होता है। ऑडिट के अंदर प्लानिंग क्या है, तो यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज कॉन्टैक्ट विद ऑडिट क्लाइंट्स इन इनिशिएटेड एंड रिलेवेंट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन इज गैदरिंग टू गेन एंड अंडरस्टैंडिंग द ऑडिट एरिया साइज। सबसे पहले हमें प्लानिंग करना पड़ता है, अपने क्लाइंट्स वगैरह से मिलना पड़ता है, उनसे वो इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है। जो एरिया हमें दिया गया है, जो काम हमें दिया गया है, उसकी बैकग्राउंड नॉलेज समझने के लिए, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमें वो चीज़ें समझाई जाती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोसीजर्स वगैरह फॉलो किए जाते हैं। ऑल्सो इन दिस प्लेस ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स आर डिफाइंड एंड ऑडिट मैथोडोलॉजी सॉरी भाई यहाँ पे ये वर्ड में थोड़ा बीच में अटक गया। मैथडोलॉजी इज डिटरमाइंड थ्रू द क्रिएशन ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि जो ऑडिट होता है इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो ऑडिट की मैथडोलॉजी है वो समझना, डिटरमाइन करना, क्रिएट करना और ऑडिट प्रोग्राम्स में फीड करना। ठीक है, इसके अंदर दो पॉइंट लिखे हैं। पहला आता है नोटिफिकेशन लेटर, दूसरा आता है एंट्रेंस मीटिंग। दो तरीके से होता है। नोटिफिकेशन लेटर और एंट्रेंस मीटिंग का मतलब क्या है? नोटिफिकेशन लेटर में विद फ्यू एक्सपेक्टेशन ऑडिट क्लाइंट आर नोटिफाइड इन राइटिंग, कि ऑडिट क्लाइंट्स को नोटिफाइड करना पड़ता है इन रिटर्न में। ठीक है, कि एरिया कौन सा उन्हें सिलेक्ट किया है, किस जगह वो ऑडिट पे जाने हैं। ड्यू टू द नेचर ऑफ सम ऑडिट वर्क लिटल और नॉन एडवांस नोटिस मे बी गिवन। अगर वो थोड़े बहुत छोटे मोटे काम के लिए हैं तो भाई उसको इस जगह पर कोई एडवांस नोटिस या कोई भी चीज़ ऐसे वर्किंग में लिख के नहीं देनी होती। एंट्रेंस मीटिंग डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ऑडिट एंड अमाउंट ऑफ ऑडिट वर्क प्लान, कि ऑडिट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह की ऑडिट है, किस तरह का वर्क है और किस तरह का उसका अमाउंट है, ये एंट्रेंस मीटिंग डिपेंड करती है। एंट्रेंस मीटिंग शेड्यूल करी जाती है विद द हेड ऑफ यूनिट, हेड ऑफ यूनिट के साथ एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ और भी बाकी इन्वॉल्व होते हैं जो ऑडिटर्स होते हैं वो। इन पर्सनल मीटिंग आर प्रेफर्ड बट दिस मे बी accomplished via टेलीफोन ऑन अदर वे इफ़ necessary। अगर कोई भी इस मीटिंग में क्या बोलते हैं टेलीफोन वगैरह यूज़ है और ये सब necessary है और ये सब यूज़ कर सकते हैं कोई भी अगर इसमें मीटिंग्स में इनके ज़रिए कुछ समझाना वगैरह चाहते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है ऑडिटिंग प्रोसेस का। ऑडिट प्रोसेस का जो है हमारा फील्ड वर्क। फील्ड वर्क एक इवेल्युएशन है, फेस है ऑडिट की रिफर्ड का। द फेस ऑफ इंक्लूडिंग एसेसिंग द एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल ऑडिट्स कंट्रोल एंड कंप्लायंसेस, ये एक छोटा सा फेस होता है जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं इंटरनल कंट्रोल्स और कंप्लायंसेस। टेस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स एंड रिसोर्सेज, टेस्टिंग करनी होती है ट्रांजेक्शनल रिकॉर्ड्स और रिसोर्सेज जो हैं उनकी। परफॉर्मेंस एंड अदर प्रोसीजर्स नेसेसरी टू accomplish द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिट, कि आपको परफॉर्मेंस करनी पड़ती है, प्रोसीजर्स देखने होते हैं, accomplish ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो फुलफिल करने होते हैं। थर्ड पॉइंट आता है इसमें रिपोर्टिंग। ऑडिट हो जाने के बाद रिपोर्ट करना पड़ता है, फाइनल रिजल्ट होता है जो एवरी ऑडिट का वो रिटर्न में दिया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है। ऑडिट का स्कोप ही यही है कि ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना, रिजल्ट और रिकमेंडेशन और इम्प्रूवमेंट देखना। फिर ऑडिट क्लाइंट को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है करेक्ट एक्शन प्लान्स के लिए। फिर रिपोर्टिंग का पार्ट एक ड्राफ्ट रिपोर्ट होती है और एक एग्जिट मीटिंग होती है। ठीक है, ड्राफ्ट रिपोर्ट क्या होती है, यहाँ पे मेंशन है ड्राफ्ट रिपोर्ट।
ऑडिट रिपोर्ट्स आर टाइपिकली प्रिपेयर्ड एंड ड्राफ्ट फ्रॉम ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनिशियली लिमिटेड ऑफ इमीडिएट मैनेजर। ऑडिट रिपोर्ट जो है बेसिकली ड्राफ्ट की तरह टाइप करके बनाई जाती है पूरी की पूरी। इसमें लिमिटेड इमीडिएट मैनेजर्स को देने के लिए लिमिटेड इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो जो चीज़ें जरूरी हैं, मैंडेटरी है, वो चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। इट कैन बी रिव्यूड प्रीरियर टू फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। पहले ये प्रीरियर द्वारा रिव्यू करी जाती है, देखी जाती है, तभी उसके बाद ये मैनेजर्स तक पहुंचाई जाती है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है एक करेक्ट एक्शन प्लान सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द रूट केस। अगर कोई भी करेक्ट एक्शन प्लान करना है तो उसकी समस्याओं को जड़ से समझना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा करेक्ट एक्शन प्लान्स वगैरह। फिर उसके बाद है एन एक्सपेक्टेड इम्प्लीमेंटेशन डेट्स। ये जो करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन डेट्स हैं वो आपको एक्ज्यूम करनी पड़ेगी कि किस डेट तक हमारी ऑडिट जो है वो फुलफिल सही तरीके से हो सकती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है एग्जिट मीटिंग। ये नेसेसरी है। एन एग्जिट मीटिंग विल बी हेल्ड टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू रिसॉल्व एनी क्वेश्चंस और कंसर्न द ऑडिट क्लाइंट मे हैव अबाउट द ऑडिट रिजल्ट। कि जितने भी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो रिसॉल्व होती हैं, क्वेश्चंस हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो अराइज होती हैं, वो इसके अंदर एज अ रिजल्ट ऑफ क्लाइंट शो करनी पड़ती है। ठीक है, जितने भी क्वेरीज हैं, जो इश्यूज हैं, वो रिपोर्ट में ही रिलीज किए जाते हैं ताकि किसी को आगे प्रॉब्लम ना आ सके। द अटेंडिंग यूजुअल इंक्लूड्स द ऑडिट टीम मैनेजमेंट एंड द ऑडिट एंटिटी सच एज द डीन। लिखा है कि यहाँ पे जितने भी यूजुअली ऑडिट टीम्स होती हैं, मैनेजमेंट होते हैं और डीन्स होते हैं या चेयरपर्सन या डायरेक्टर्स वगैरह हो सकते हैं, तो उनसे पहले ही ऑडिट रिपोर्ट को अच्छे से देखा जाता है, उनके पास ले जाने से पहले चेक किया जाता है, रिव्यू करा जाता है। ठीक है, तब उनको इन्वाइट किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है फाइनल ऑडिट रिपोर्ट। फाइनल ऑडिट रिपोर्ट इज एड्रेस्ड टू द यूनिवर्सिटी प्रेजिडेंट। कि फाइनल ऑडिट रिपोर्ट जब चेक हो जाती है चेयरपर्सन डायरेक्टर, फिर वो यूनिवर्सिटी प्रेजिडेंट के पास जाती है। फिर उसकी एक कॉपी प्रोवाइड करी जाती है अप्रिशिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास, बोर्ड ऑफ रेजिग्नेंट्स के पास, जो यूटी सिस्टम ऑडिट ऑफिस जो है वहाँ पर, वो जो स्टेट एजेंसीज वगैरह हैं वो उसको चेक करती है। फिर उसके बाद आता है फॉलोअप। फॉलोअप मतलब होता है कि कोई भी इम्प्लीमेंटेशन जो ऐसी है जो फीडबैक की तरह हो सकती है, सजेशन हो सकती है किसी भी ऑडिटर के लिए, तो वहाँ से वो अपना फॉलोअप देते हैं कि ये पब्लिश करने लायक ठीक है या कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ से वो अपनी प्रोसीजर्स वगैरह, अपने स्टाफ वगैरह को रिव्यू करने के लिए डॉक्यूमेंट को फिर दोबारा भेजते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑडिट प्रोग्रामिंग। ऑडिट प्रोग्राम इज़ ए डिटेल्ड रिटन स्टेटमेंट डिजाइन बाय द ऑडिटर। एक ऑडिटर द्वारा जो डिटेल प्लान लिखा जाता है, एक नोट बनाया जाता है, पूरी रिपोर्ट तैयार करी जाती है, उसको एक ऑडिटिंग प्रोग्राम कहा जाता है। इंडिकेटिंग द वर्क ऑफ द परफॉर्म बाय ऑडिट असिस्टेंट। और ये जो वर्क है एक असिस्टेंट द्वारा भी करा जाता है। एक असिस्टेंट तब करता है जब वो सुपरविजन में करता है किसी बड़े टॉप लेवल मैनेजर्स वगैरह के, सुपीरियर के। ठीक है, स्पेसिफाइंग द टाइम ऑफ लिमिट ऑफ कम्प्लीटेशन ऑफ दिस वर्क इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस ऑडिट स्टाफ। इसकी जो टाइमलाइंस होती है, जो लिमिट होती है कि ऑडिट इतने टाइम में ख़त्म हो जाना चाहिए, वो इनकी कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइन के अंदर ही मेंशन होती है। ठीक है, जिसके अंदर प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग जैसी बहुत सारी लिमिटेशन और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मेंशन होती है। फीचर्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। फीचर्स क्या क्या होते हैं? पहला फीचर्स होता है इट इज़ सेट ऑफ प्रोसीजर टू बी अडोप्ट। ये एक प्रोसीजर सेट करती है टू बी अडोप्ट ऑफ कंडक्ट द ऑडिट मोर इफिशेंटली, कि किसी तरह से ऑडिट को और ज़्यादा इफिशेंटली बना जा सके। इट इज़ ए रिटर्न स्कीम डिज़ाइन बाय ऑडिटर। ये एक रिटर्न स्कीम ऑडिटर द्वारा डिज़ाइन करी जाती है। उसके बाद लिखा है यहाँ पे इट इज़ ए ब्लू प्रिंट ऑफ ऑडिट वर्क। ऑडिट वर्क का एक ब्लू प्रिंट होता है। ठीक है, हूबहू। इट फैकिलिटीज डेलीगेशन ऑफ वर्क। ये वर्क का डेलीगेशन कर देती है, मुझे बांट देती है कामों को बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी ऑफ ऑडिट स्टाफ। जो ऑडिट स्टाफ है उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग को वर्क बांट दिया जाता है। इन इट एक्ट एज एविडेंस इन फ्यूचर ऑडिट वर्क बींग परफॉर्म। और एविडेंस के तौर पर इसकी एक कॉपी रखी जाती है जो दिखा सकते हैं कि किस तरह से वर्क जो है वो परफॉर्म किया गया है। इट स्पेसिफिक्स द वर्क
टू बी डन बाय द ऑडिट स्टाफ, जो भी वर्क डन किया जाता है, द मैनर ऑफ टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, तो ये भी मेंशन करना है। आगे लिखा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट प्रोग्रामिंग। सो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो है यहाँ पे टू प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू द ऑडिट असिस्टेंट्स स्पेसिफाइंग द नेचर्स ऑफ द वर्क, कि सही ढंग से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाना वर्क कंप्लीशन करने के लिए, ठीक है। पॉइंट नंबर उसके बाद है सेकंड, टू फैकिलेट कोऑर्डिनेशंस अमंग वेरियस पार्ट्स ऑफ ऑडिट वर्क, कि जितने भी कोऑर्डिनेशंस हैं इसके अलग अलग पार्ट्स डिवाइड कर दिए जाते हैं वर्क के अकॉर्डिंग। थर्ड है टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द, नेक्स्ट पॉइंट है उसके बाद टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट वर्क, कि यूनिफॉर्मिटी दिखनी चाहिए काम के अंदर, जो परफॉर्मेंस है उसमें दिखनी चाहिए, एंड टू अवॉइड डुप्लीकेशन एंड रेपिटेशन ऑफ वर्क। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे टू अटेन ए फेयर एलोकेशन ऑफ वर्क अमॉन्ग ऑडिट टीम, कि उनको एक फेयर वर्क एलोकेशन प्रोवाइड करवाना, जो जो काम करने के लायक है उसके अकॉर्डिंग उसको वो वर्क करवाना। उसके बाद लिखा है यहाँ पे फिक्स, अगला पॉइंट है फाइव, टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ ईच ऑडिट असिस्टेंट। उसके बाद है सिक्स पॉइंट, टू सर्व एज ए गाइड फॉर प्लानिंग द टैक्स ऑडिट वर्क इन फ्यूचर, कि एक गाइड प्रोवाइड करवाना कि जो ऑडिट के चीज़ों को समझा सके, एज इन फ्यूचर जो भी ऑडिट की प्लानिंग है उनके गाइडेंस है वो उनको सर्व कर सके। सेवन्थ पॉइंट है टू सर्व एज एविडेंस इन फ्यूचर शोइंग द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑडिट वर्क, कि ऑडिट के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, जो एविडेंस वगैरह होते हैं, उन पर एज अ फ्यूचर डेट मैंशन होती है कि ऑडिट कब तक एंड हो जाएगा। मेथड्स और प्रोसीजर्स अंडरटेकन उस पर मैंशन होना चाहिए। पर्सन इन्वॉल्व इन कंप्लीटेशन ऑफ ऑडिट वर्क, कि कैसे कैसे उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। पहला एडवांटेजेस है एन ऑडिट प्रोग्राम हेल्प्स इन ऑल इम्पोर्टेंट एरियाज इन कंसीडरिंग कंडक्टिंग द ऑडिट, कि जो ऑडिट एरियाज है वहाँ पर उसकी बहुत महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पर वो सारे काम्स को इजीली हैंडल करता है। सेकंड है एन ऑडिट प्रोग्राम हेल्प द ऑडिटर टू एलोकेशन ऑफ वर्क अमॉन्ग द टीम मेंबर, ऑडिट प्रोग्राम हेल्प करता है ऑडिट को एलोकेशन करने की, उनके वर्क मेंबर्स में, टीम मेंबर्स में बांटने की, जो जिसकी स्किल्स है उसके अकॉर्डिंग काम को बांटता है। थर्ड है इन इनहेंस द अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑडिट टीम मेंबर्स टुवर्ड वर्क परफॉर्म बाय देम, कि जो भी काम करा जा रहा है ऑडिट मेंबर द्वारा वो सही तरीके से करा जाएगा, अकाउंटेबिलिटी अच्छी होगी उसमें, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है एन ऑडिट प्रोग्राम ऑल्सो रिड्यूस द स्कोप ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग अमोंग द टीम मेंबर्स, कि जो भी वर्क करा जा रहा है उसमें जो मिसअंडरस्टैंडिंग स्कोप है, जो गलती होने के चांसेस हैं, वो सारे नहीं होंगे, परफॉर्मेंस में सुधार आएगा। फिफ्थ पॉइंट है चेकिंग द स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क प्रोग्रेस, देखते रहते हैं एंड हाउ मच द लैफ्ट ऑफ परफॉर्मेंस वायर कंडक्टिंग द ऑडिट। ऑडिट के दौरान आप अपनी परफॉर्मेंस तक चेक कर सकते हो कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कितनी प्रोग्रेस अभी बाकी है। ऑडिट प्रिपेयर करने के टाइम पे आपका वर्किंग पेपर्स वगैरह का वर्क जो है वो बहुत बढ़ जाता है, रिकॉर्डिंग वगैरह हो गया, प्रोसीजर अप्लाइड करना हो गया, एविडेंस अगेंस्ट द चार्ज ऑफ नेगलेंस हो गया, तो इस तरह से आपका काम जो है वो काफ़ी इंक्रीज होता है। फिर सेवन्थ पॉइंट है ऑडिट परफॉर्म इनेबल द ऑडिटर टू कीप ए रिकॉर्ड, ऑडिट जो है वो अपने ऑडिटर्स को रिकॉर्ड रखने का पूरा हक देती है कि उसका यूजफुल इंफॉर्मेशन, स्पेशली इन फ्यूचर ऑडिट, जो भी फ्यूचर में ऑडिट्स वगैरह होंगे जो उसके अंदर गलतियाँ हो सकती हैं, वो सारा वो एज अ एविडेंस संभाल के रख सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, तो पहला आ जाता है यहाँ पे रिगिडिटी, दिस इज नो सेट स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम दैट कैन बी अप्लाइड द केस ऑफ एवरी एंटिटी, कि हर एक ऑडिट प्रोग्राम का कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं होता, कोई भी केस अप्लाइड नहीं होता जो एकदम रूल के ऊपर बेस्ड होता है, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग तरह की एंटिटीज होती हैं जिसकी वजह से अलग अलग प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। सेकेंड आता है रिड्यूस द इनिशिएटिव ऑफ इफिशेंट स्टाफ, इफिशेंट स्टाफ की कमी होती है क्योंकि जो स्टाफ होते हैं वो अलग अलग केस में सुटेबल नहीं होते, हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं ऑडिट प्लान्स वगैरह में जो काफ़ी सारे सजेशंस वगैरह, फीडबैक वगैरह देने में लूप होल कर जाते हैं।
थर्ड प्रॉब्लम जो आती है वो आती है ऑडिट वर्क बिकम्स मैकेनिकल। अगर कोई भी मैकेनिकल वर्क है, जैसे कोई लाइक इंटरनल कंट्रोल से जैसा वर्क है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। ओवरलुकिंग न्यू एरियाज, जो भी नए एरियाज हैं वहाँ पर टेक्नोलॉजी और टाइम की चेंज होने की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ओके, नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट, ऑडिट नोटबुक। व्हाट इज ऑडिट नोटबुक? ऑडिट नोटबुक इज ए रजिस्टर मेंटेन बाय द ऑडिट स्टाफ। ऑडिट नोटबुक एक नोटबुक है, एक किताब है जो मेंटेन करनी होती है हर एक ऑडिट स्टाफ को, टू रिकॉर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कि हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो रिकॉर्ड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी आप क्या कर रहे हो? अभी आप सुन रहे हो सकता है कोई कॉपी लेके बैठा हो, कोई पेन लेके बैठा हो, रिकॉर्ड कर रहा हो, इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं बताता रहूँगा उसको रिकॉर्ड कर लिया। तो वो काम ऑडिट नोटबुक जो है वो करती है, वो एक रजिस्टर्ड है जो ऑडिट स्टाफ उसको रिकॉर्ड करता है ऑडिट नोटबुक में, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, उसमें कोई भी ऑब्जर्वेशन चीज हो सकती है, एरर हो सकती है, क्वेरीज हो सकती है, एक्सप्लेनेशन या क्लैरिफिकेशन हो सकता है। तो ये जो चीज़ें क्लाइंट्स नोट करते हैं ये ऑडिट नोटबुक कहलाती है। ऑडिट नोटबुक जो है ये डे टू डे परफॉर्म करी जाती है एक ऑडिट क्लर्क द्वारा। ये एक तरह की शॉर्ट नोटबुक होती है जिसमें लार्ज वेराइटी ऑफ ऑब्जर्वेशन मैंशन होती है, रिकॉर्ड होती है, हर एक तरह की पॉसिबिलिटी, हर एक तरह की क्लैरिटी, क्लियरली हर एक तरह के कंप्लीट सिस्टम्स, रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करने होते हैं। कंटेंट ऑफ ऑडिट नोटबुक, ऑडिट नोटबुक के जो कंटेंट होते हैं उसमें क्या क्या शामिल होता है? तो पहली चीज़ तो ए लिस्ट ऑफ ए ऑडिट ए लिस्ट ऑफ ए अकाउंट बुक नॉर्मली यूज्ड एंड मेंटेन, कि जैसे अकाउंट बुक मेंटेन करते हैं तो उस तरह से एक बुक मेंटेन करनी होती है, जिसके अंदर एक प्रिंसिपल ऑफिसर होता है और एक ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है हमारी। ठीक है, ऑडिट नोटबुक जो होती है ये एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की तरह होती है, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गया, पार्टनरशिप डीड हो गया, इस तरह से। इसके साथ ही साथ मिनट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट अफेक्टिंग द अकाउंट्स, कोई भी मिनट टू मिनट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन है जो इफेक्ट करती है ऑडिट में, तो वो सारी हमें इसमें मैंशन करते हैं। स्टेचुअरी ऑडिटर्स या स्टेचुअरी अथॉरिटीज जो है वो रिस्पॉन्ड करती है इस पर। कॉपी ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, ये ऑडिट प्रोग्राम की ही कॉपी मानी जाती है। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटिंग मेथड्स होते हैं, इंटरनल कंट्रोल होता है, इंटरनल चेक सिस्टम ऑपरेशंस वगैरह इसमें होता है। डेली के क्वेरीज हो गया, मिसिंग रिसिप्ट हो गया या वाउचर हो गया, वो सारे हम इसमें मैंडेटरी मेंशन करते हैं। उसके बाद लिखा है डिटेल्स में कोई एरर है, फ्रॉड है, वो सब इसमें मेंशन करना होता है। इंक्लूड ऑडिट रिपोर्ट्स, डिटेल में कोई भी इंफॉर्मेशन मेंशन करना जो कि फ्यूचर में हमें यूजफुल हो सकती है। डेट ऑफ कमेंसमेंट, की डेट कौन सी है, किस तरह, किस जगह और किस टाइम पे वो जो प्रोजेक्ट है वो कब कम्प्लीट हो रहा है, तो वो सारी डेट ऑडिट में मेंशन करनी पड़ती है। एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट नोटबुक, क्या क्या इसके फायदे होते हैं? तो पहला होता है फैसिलिटेट्स ऑडिट वर्क, द फैसिलिटेट्स द वर्क ऑफ एन ऑडिटर एज ऑल इम्पोर्टेंट डिटेल्स अबाउट द ऑडिट आर रिकॉर्डेड इन द नोटबुक, कि जितनी भी तरह की कोई भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स है वो एक ऑडिटर जो है उस ऑडिट बुक में रिकॉर्ड करके रखेगा। कोई भी ऑडिट या कोई भी क्लर्क जो है उसको रिमेम्बर करके रखेगा कि वो बाद में भूल ना जाए, हर चीज़ टाइम पे नोट होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट है प्रिपेयर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, प्रिपेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए आपको नॉर्मल ऑडिट बुक प्रिपेयर करनी पड़ती है, जहाँ से आप फाइनलाइज डेटा उठा के ऑडिट रिपोर्ट में डालते हो। थर्ड चीज है सर्व एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जिसको आप एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोल सकते हो या वर्किंग नोट की तरह भी सबमिट करा सकते हो। सर्व एज ए गाइड, ये गाइड की तरह वर्क करती है। फिर लिखा है इवेलुएटिंग वर्क ऑफ ऑडिट स्टाफ, कि ऑडिट स्टाफ जो वर्क कर रहा है उसका एक हेल्पफुल परफॉर्मेंस या कोई एफिशिएंसी लेवल वो इसमें मेंशन कर सकते हैं। फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिट नोटबुक हेल्प्स इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन कंसर्न क्लर्क हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी अनडिटेक्टिव एरर, कि ये हेल्प करती है कोई भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो क्लर्क की होनी चाहिए बट वो कभी कभी उस पर अनडिटेक्टिव एरर आ जाती है, कभी कभी वो सॉल्व आउट नहीं कर पाता, तो उस फ्रॉड केसेस में या उस जगह ये हेल्प कर देती है फिक्सेशन करने में। नो डिसलोकेशन ऑफ ऑडिट वर्क, कि जो ऑडिट वर्क होता है उसकी नोटबुक होती है उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन होती है, कहाँ तक जो भी चेंजेस वगैरह हैं वो सारा इसमें मेंशन होना चाहिए। ठीक है, डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट नोटबुक क्या होता है? फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड, कि जो भी ऑडिट वर्क ऑडिट बुक बना रहा है तो वो अपने अकॉर्डिंग बनाता है, तो उसमें फाइंडिंग
एटीट्यूड में प्रॉब्लम आती है कि उसमें छांटना, उसमें कैसे देखना है, वो सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। मिस अंडरस्टैंडिंग, कभी कभी ऑडिट नोटबुक्स में राइटिंग्स वगैरह जो है ऑडिट नोटबुक में कुछ ऐसे वर्ड्स जो है लिखे जाते हैं जो समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इम्प्रॉपर प्रेजेंटेशंस, ऑडिट नोटबुक एक तरह की फेयर नोटबुक है बट जो क्लाइंट्स द्वारा बनाई जाती है एक रफ नोटबुक की तरह बनाई जाती है जिसमें इम्प्रॉपर प्रेजेंटेशन होती है जिसको हम एज एविडेंस कभी कभी क्लियर नहीं कर पाते हैं। एडवर्स इफेक्ट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर, सिंस ऑडिट नोटबुक इज ए यूज इन परफॉर्मिंग सब्सिक्वेंट ऑडिट, जो ऑडिट नोटबुक है उसको ऑडिट सब्सिक्वेंट्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है एंड मैनी मिस्टेक्स इन नोटबुक, काफ़ी सारी गलतियाँ भी होती हैं, मे हैव एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ नेक्स्ट ऑडिट, और यही गलतियाँ दूसरे नेक्स्ट ऑडिट पर इम्पैक्ट डालती हैं। ऑडिट वर्किंग पेपर क्या होते हैं, वट इज ऑडिट वर्किंग पेपर, ऑडिट वर्किंग पेपर्स आर द आउटकम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जो होता है उससे आउटकम जो आता है वो ऑडिट पेपर्स होते हैं। ऑडिट वर्किंग पेपर्स आर देयर रिकॉर्ड ऑफ वेरियस ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, ऑडिट वर्किंग पेपर में ऑडिट के प्रोसीजर्स को परफॉर्म्ड जो करा जाता है वो उसमें मैंशन होता है। ऑडिट एविडेंस मैंशन होते हैं, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मैंशन होते हैं बिटवीन ऑडिटर मेंबर्स एटसेट्रा, ऑडिट मेंबर्स के साथ। अगर ऑडिट वर्किंग पेपर्स में डॉक्यूमेंट्स एविडेंस और भी बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करके मेंशन करी जाती हैं। वी कैन डिवाइड द वर्किंग पेपर्स इंटू टू पार्ट्स, हमने पेपर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है जैसे परमानेंट ऑडिट फाइल और करेंट ऑडिट फाइल, दोनों में डिफरेंस करेंगे। परमानेंट ऑडिट फाइल जो होती है इसमें इंफॉर्मेशन होती है सारी इंटरेस्टेड रिलेवेंट ऑफ द फ्यूचर ऑडिट्स, इसके अंदर AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, लोन्स एग्रीमेंट, लीज डॉक्यूमेंट्स और इंटरनल कंट्रोल्स और एंटिटी रिकॉर्ड्स वगैरह शामिल होते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ जो करंट ऑडिट फाइल होती है इसके अंदर हमारा करंट पीरियड जो है वो रिकॉर्ड होता है पूरा, और इसके अंदर साथ ही साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंशन होती है, ट्रायल बैलेंस होता है, बैलेंस शीट होती है, वर्किंग नोट्स होते हैं और भी बहुत सारे एक्सटर्नल कन्फर्मेशन रिसीव्ड जो होती है, जो बाहर से हमें कन्फर्मेशन आई है वो इसमें रिकॉर्ड करी जाती है। ओके, नाउ वी लेट्स डिस्कस अबाउट एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर्स, ऑडिट वर्किंग पेपर्स के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्ट फॉर ऑडिटर ओपिनियन, जो ऑडिटर ओपिनियन है, सॉरी हाँ भाई मैंने अपोनियन बोल दिया गलती से, ओपिनियन है सॉरी, सपोर्ट फॉर ऑडिटर ओपिनियन हाँ सही है सॉरी SAP बोला जाता है इसको यहाँ पे, उसके बाद लिखा है थ्री स्टेट्स सफिशेंट कम्पिटेंट एविडेंशियल मैटर इज टू बी ऑब्टेंड थ्रू इंस्पेक्शन, जो भी इंस्पेक्शन के टाइम पे एविडेंशियल मैटर्स मिलते हैं सफिशेंट होते हैं वो, ऑब्जर्वेशन टाइम पे कोई भी कन्फर्मेशन या कोई भी अफोर्ड रीजनेबल बेसिस पर ओपिनियन रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कोई भी एग्जामिनेशन करता है तो हमें नीड पड़ती है। From this statement, it can be easily conclude the audit working papers, कि कोई भी स्टेटमेंट को देख के समझ सकता है कि क्या इसमें प्रोवाइड कराई गई है, बैकग्राउंड क्या है और जो भी चीज़ें हैं। सेकेंड आता है हेल्पफुल इन प्रिपरेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, कि हेल्पफुल होती है किसी भी तरह की प्रिपरेशन करने में सर्टिफिकेशन और ऑडिट रिपोर्ट्स वगैरह के। थर्ड पॉइंट है help in the program or help in the performance of the audit work, मतलब कि जो audit work है उसमें जो performance जो करी जाती है वो उसमें helpful होती है। फिर उसके बाद लिखा है work can be easily divide among the audit staff, जो audit staff होता है उनका work easy हो जाता है इसको divide करने से काम को। can be used as a permanent record, हम इसको as a permanent record भी submit कर लेते हैं, कर सकते हैं। फिर है उसके बाद सिक्स्थ क्रिएट ए ब्रिज बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांजेक्शन्स एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, कि जो भी फाइनेंशियल और ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनके बीच में एक ब्रिज क्रिएट करा जाता है, ठीक है, उनके बीच में एक तालमेल कलेक्ट करा जाता है, जैसे कि कोई भी फाइनेंशियल एंट्रीज है, बैलेंस शीट है, जनरल एंट्री, कोई भी एरर वगैरह ना हो, दोनों में कॉम्बिनेशन देखा जाता है। सेवन्थ पॉइंट है एज act as a basic of review and revision of internal control system. फिर उसके बाद है 8th point help in evolution and training of audit staff.
ओके सो नाउ वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट पॉइंट इंटरनल कंट्रोल्स. इंटरनल कंट्रोल्स कंप्राइज ऑफ द प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल द कोऑर्डिनेशन मेथड. कि जितने भी कोऑर्डिनेशन मेथड्स होते हैं, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स होते हैं, वो सारे इसमें हेल्पफुल होते हैं. ठीक है. एंड अडॉप्ट विद ए बेसिक टू सेफ गार्ड इज असेट्स. कोई भी बेसिक सेफ गार्ड असेट्स वगैरह इसमें हेल्पफुल होती है. आगे लिखा है उसके बाद पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल. पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कि इंटरनल कंट्रोल का पर्पस क्या होता है. बेसिकली पहली चीज होती है कि फॉर्म ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू. इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू स्टडी एंड इवेलुएट द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल. कि ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये इवेलुएट करना कि इंटरनल कंट्रोल किस तरह से मेंटेन करा गया है. दूसरी चीज अंडरस्टैंड करना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को और टेस्टेड करना. टेस्टेड और यूसेज होना चाहिए वो. ठीक है. ऑडिटर ने जो जो चीजें उसमें पॉसिबिलिटी चीजें लिखी हैं वो एज अ डिटरमाइंड करना स्कोप की तरह. दूसरा फ्रॉम क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू. क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या देखोगे कि डेटा एक्यूरेट और नेसेसरी है या नहीं है. दूसरी चीज सेफ गार्ड बिजनेस असेट है या नहीं है. ठीक है. जिसमें कोई भी मिसगाइड नहीं होनी चाहिए, कोई भी एक्सीडेंटल डिस्ट्रॉयमेंट नहीं होनी चाहिए. थर्ड चीज आप देखोगे कोई भी डिस्करेज या नॉन परफॉर्मिंग एक्टिविटी तो नहीं है, कोई वेस्टेज एक्सपेक्ट तो नहीं दिख रहा उसमें. फोर्थ चीज आप देखोगे कि रूल्स एंड प्रोसीजर्स जो है वो फॉलो किए गए हैं ढंग से या नहीं करे गए हैं. और अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करो इंटरनल कंट्रोल की, तो आती है जैसे सुपरविजन, ऑथराइजेशन, साउंड प्रैक्टिस, इंटरनल ऑडिट, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, और उसके बाद देखा है सिग्रेशन ऑफ ड्यूटीज, कंपोनेंट ऑफ ट्रस्ट वर्थी पर्सनल रिकॉर्ड फाइनेंशियल एंड द अदर प्लान, और लास्ट है अर्थमेटिक एंड अकाउंटिंग कंट्रोल्स. ठीक है. फिर आता है लिमिटेशंस, कि क्या लिमिटेशन हो सकती है इंटरनल कंट्रोल की. तो इसमें लिमिटेशन जो है फर्स्ट वो लिखी है मैनेजमेंट डिसीजन लैक हो सकता है, इफेक्टिव कंट्रोल ना हो सकता है, जीरो के बराबर हो सकता है, कहने का मतलब है. अगला लिखा है उसके बाद कि कोई भी चांस ऐसा हो सकता है जहां पे मिसयूज पर्सन के द्वारा या अथॉरिटी के द्वारा कोई भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का करा गया हो तब. फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स है. ऑब्जेक्टिव्स उसके जो उद्देश्य हैं, कि अपना बिना उद्देश्य के काम करा जा रहा हो. ठीक है. फिर उसके बाद लिखा है यहाँ पे रूटीन ट्रांजैक्शनल और इररेगुलर ट्रांजैक्शनल जो है ओवरलुक्ड हो सकते हैं, चेंज हो सकती है कोई भी इफेक्टिव कंडीशंस वगैरह सिस्टम के अंदर. स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट क्या होता है. पहला मेन स्कोप होते हैं गुड इंटरनल ऑडिट के, वो आपको बता रहा हूँ. पहली चीज होती है स्कोप में कैश. ठीक है. कि इंटरनल ऑडिट में जो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट आई है ऑर्गेनाइजेशन में, वो एक मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए. दूसरा कंट्रोल होना चाहिए सेल और परचेज पे. आपकी हैंडलिंग अच्छी होनी चाहिए, जो भी मटेरियल आ रहा है जा रहा है आपके ट्रस्ट में जाए, ट्रांजेक्शन आपको पता हो. फाइनेंशियल कंट्रोल होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी रिकॉर्ड होना चाहिए, हर चीज मेंटेन कर रहा हो, सुपरविजर हो. ठीक है. एम्प्लॉयमेंट रेमुनरेशन, जो एम्प्लॉयमेंट को पारिश्रमिक दिया जा रहा है. पेमेंट मेथड क्या है, कितना पैसा किसको जा चुका है. ठीक है. तो ये सब चीजें कैश की डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए. कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या इन्वेंटरी कंट्रोल हो. इन्वेंटरी में हो सकता है आपका स्टॉक्स वगैरह हो, तो आपके स्टॉक्स वगैरह ढंग से मेंटेन होने चाहिए, प्रॉपरली वैल्यूएशन होनी चाहिए, और आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो खर्चे हैं बड़े तौर पे वो मेंटेन होने चाहिए. कंट्रोल में आपकी इन्वेस्टमेंट वगैरह सब पता होना चाहिए, कि इन्वेस्टमेंट में कितना रिडम्पशन हुआ है, कितना इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट या लॉस जो भी कंपनी को है वो आपको क्लियरली मेंशन करना है. ठीक है. इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिटर, यहाँ पे लिखा है ऑडिटर शुड बी इंश्योर द क्रिएट रूल्स एंड प्रोसीजर फॉलो बाय द बिजनेस यूनिट्स. ऑडिटर क्या करता है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है जो बिजनेस यूनिट्स में दिखाए गए हैं. ही इज ए वर्किंग ऑन, वो उन्हीं पर वर्क करता है. बट इसकी जगह अगर हम बात करें इंटरनल कंट्रोल की, इंटरनल कंट्रोल जो होता है एक सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट होता है, एक व्यक्ति के ऊपर ही मैनेज करा जाता है. ऑडिटर जो है वो सिंपली गाइड कर सकता है, लोगों को मैनेज कर सकता है, सब चीजें समझा सकता है. बट दूसरी तरफ अगर हम देखें इसकी जगह हम दूसरी तरफ इंटरनल कंट्रोल को, तो इंटरनल कंट्रोल जो है वो डिपेंड होता है एक इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर, जो सिस्टम में लोग काम करते हैं. ठीक है. रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. रिव्यू ऑफ सिस्टम अकाउंटेबिलिटी एंट्रीज. इसमें रिव्यू में क्या क्या करना होता है, तो रिव्यूज में हमें जो चीजें चेक करनी होती है वो होती है हमारी अकाउंटिंग एंट्रीज, रिकॉर्ड जितने भी स्टैंडर्ड है या नहीं.
उसके बाद हमारा सेकंड चीज है वो ये है रिव्यू में कि आपकी ऑडिट अकाउंटिंग जो होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस होने चाहिए। उसके बाद लिखा है फ्रॉड एरर, उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि कोई भी फ्रॉड एरर ये मिस्टेक्स वगैरह नहीं होने चाहिए लोकेट करते टाइम। तो उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है टू रिव्यू एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट एफिशिएंसी और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मेंशन, चेक करना है, रिव्यू करना है, उसके बाद रिपोर्ट्स को, रिकॉर्ड सर्टिफिकेट को, प्रेजेंट मैनेजमेंट को, साथ ही साथ फिर हमें लास्ट में चेक करना होता है उसकी पॉसिबिलिटी इम्प्रूवमेंट कैसी है। ठीक है, अगला पॉइंट है इंटरनल चेक। इंटरनल चेक के लिए एक स्पीसर एंड प्लेजर नाम के एक प्रोफेसर ने डेफिनेशन दी है इसी चीज के ऊपर, इंटरनल चेक होता क्या है। ए सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक इज एन एग्रीमेंट ऑफ ए स्टाफ ड्यूटीज, कि इंटरनल चेक जो है एक एग्रीमेंट होता है स्टाफ ड्यूटीज के बीच का, वेयर बाय नो वन पर्सन इज अलाउड टू कैरी थ्रू द टू रिकॉर्ड एवरी एस्पेक्ट, कि दोनों पर्सन में से कोई एक पर्सन ही नहीं रिकॉर्ड करेगा कितने ही रिकॉर्ड एवरी एक्सपेक्ट जो होंगे, छोटे छोटे ट्रांजेक्शन जो होंगे वो हर एक पर्सन रिकॉर्ड करेगा, एक ही नहीं, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है तो दोनों ही उस चीज को रिकॉर्ड करेंगे। कोई भी तरह का फ्रॉड एक्टिवेटेड एंड द सेम टाइम ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर रिड्यूस टू द मिनिमम, कोई भी ऐसी फ्रॉड एक्टिविटीज होगी या फिर कोई भी ऐसे सेम टाइम पे पॉसिबिलिटीज होगी कि एरर हो सकती है, गलतियां हो सकती है, तो वो कम करने की दोनों मिलकर कोशिश करेंगे, तो ये इंटरनल चेक कहलाएगा। ठीक है, एसेंशियल्स कैरेक्टर क्या होते हैं इंटरनल चेक के, डिवीजन ऑफ वर्क आपने बात करी, दो लोग काम करेंगे तो दोनों में बराबर बांटा जाएगा, प्रोविजंस ऑफ चेक दोनों ही बराबर चेक करेंगे, यूज ऑफ डिवाइसेस में जो डिवाइसेस यूज हो रहे हैं, मशीनरी हो गया, टाइम हो गया, जो भी बुक्स हो गया वो इस्तेमाल होगा, सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम होगा, सेल्फ बैलेंसिंग मतलब कि खुद से बैलेंसिंग होगी पूरी, कंट्रोल्स होगा दोनों ऑप्शन में। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल चेक। इंटरनल चेक के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पहला टू मिनिमम द पॉसिबिलिटी एरर फ्रॉड एंड इरेगुलरिटी, मतलब कि कोई भी फ्रॉड वगैरह जो होगा उसकी इरेगुलरिटी वगैरह होगी उसकी मिनिमम पॉसिबिलिटी होनी जरूरी है, प्रिवेंट द मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश ऑफ गुड्स, कैश और गुड्स का मिस अप्रोप्रिएशन नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बेकार यूज ना हो, अलोकेट जो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एवरी क्लर्क ईजिली चेक करेगा ऑर्गेनाइजेशन में कि हर एक के पास बराबर हो, एक्यूरेट ढंग से बिजनेस ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, इनहैंस होनी चाहिए, कोई भी एफिशिएंसी होनी ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद लिखा है टू एक्सरसाइज मोरल इन्फ्लुएंस ओवर द स्टाफ मेंबर टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट इजी एंड एफिशिएंसी, कोई भी इजी एंड एफिशिएंसी फाइनेंशियल अकाउंट होगा, कोई भी स्टाफ मेंबर्स वगैरह हो सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल चेक क्या कहते हैं, पहली चीज तो प्रिंसिपल जो नीचे दिए गए हैं उसमें लिखा है द प्रोसेस शुड बी एलोकेटेड बाय द स्टाफ, ये प्रोसेस स्टाफ को दिया जा रहा है तो इसके अकॉर्डिंग उनकी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट बनते हैं कि वो ढंग से इसको मेंटेन करें। दूसरा, सिंगल पर्सन के लिए ये कोई इंडिपेंडेंट वर्क नहीं है कि एक ही बंदे को काम करना है, अगर वो बिजनेस में है तो ऑल इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट जो है वो सिंगल पर्सन को ना दिए जाए। तीसरा, ड्यूटीज जो होती है वो स्टाफ की हो सकती है, उसमें टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकता है, किसी भी स्टाफ में एंगेज में ऐसा कोई लॉन्ग टाइम तक एक जैसा काम करने का रूल नहीं है। ठीक है, एवरी मेंबर एवरी स्टाफ को एंगेज करना पड़ेगा, हर कोई इसमें काम करेगा और एवरी ईयर ये डिटेक्ट किया जाएगा। चेंज इसीलिए करा जाता है क्योंकि अगर मान लो कोई एक पर्सन सिंपल एक ही काम कर रहा है बार बार तो वो उसमें आगे फ्रॉड भी कर सकता है, तो ऐसा कुछ ना हो। ठीक है, तो काम को टाइम टू टाइम चेंज होगा, डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, सेल्फ बैलेंसिंग होती है वो अच्छी होगी, फाइनेंशियली एडमिनिस्ट्रेशन पावर वगैरह जो है, जुडिशियली पावर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसर को दी जाएगी। ठीक है, ए पर्सन हैविंग द फिजिकल कस्टडी, एक पर्सन को फिजिकल कस्टडी मिलेगी सारी एसेट्स की, बट परमिट नहीं होगा उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना होगा उस चीज को। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल चेक, इंटरनल चेक के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, तो पहला तो है यहाँ पे प्रॉपर डिविजन ऑफ वर्क, की डिविजन ऑफ वर्क होना चाहिए एम्प्लॉयज के बीच में, एबिलिटी के बीच में, स्पेशलाइज्ड जिसमें है ना एम्प्लॉई उसके अकॉर्डिंग ही उनको काम को बांटा जाना चाहिए। ठीक है, कोई अगर शूज बनाने में एक्सपर्ट है तो उसको शूज का काम मिले, कोई लेसेस बनाने में एक्सपर्ट है तो लेस बनाने का काम मिले, कोई नीचे के जो फतावा होता है तलवे जो होते हैं शूज के नीचे के शोल्स, वो इंटरेस्टेड है तो वो बनाए, ऐसे
फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करी जाएगी, कोई गलती कोई भी ऐसी कमी जो है वो बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। थर्ड चीज आती है अर्ली डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, पहले ही फ्रॉड एंड एरर को डिटेक्ट करके उसको निकालने की कोशिश करी जाएगी। अगला पॉइंट है मिनिमाइजेशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, एरर एंड फ्रॉड को कम से कम किया जाएगा। टाइमली प्रिपरेशन करी जाएगी, फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाए जाएंगे और रिलायबिलिटी बुक्स बनाई जाएगी। बुक्स ऑफ अकाउंट में हर चीज़ जैसे कैश, इंटरनल ऑडिट्स या फिर स्टैचुरी ऑडिट्स वगैरह जो होंगे वो शो करे जाएंगे। फिर आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट के नुकसान क्या है, डिसएडवांटेजेस तो होंगे। पहली चीज़ तो इन सब में खर्चा तो आएगा, एक्सपेंसिव हो सकती है, जिसमें कि अलग अलग तरह के स्मॉल स्मॉल एंटरप्राइज होंगे तो खर्चे वाली होगी। दूसरा कंप्लीमेंट्री अमॉन्ग ऑफिशियल्स कि मैनेजर वगैरह के जो चार्जेस होंगे वो जो फंक्शंस होंगे उनकी जो थिंकिंग होगी कभी कभी सही और गलत भी जाती है। रिस्की हो सकता है ऑडिटर की तरफ से, जैसे कि डिटेल्स चेकिंग वगैरह करना और साथ ही साथ जो भी रिमेनिंग जो लाइबल चीज है, कंप्लाइंसेज है, प्रोसीजर्स है, वो फॉलो करने में, ठीक है। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट डिफरेंस बिटवीन इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक। इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक में क्या डिफरेंस है, तो आपको एग्जाम में डिफरेंस आएंगे पक्का, तो ये बेसिस भी लिखने हैं आपको, मीनिंग क्या है। पहले तो इंटरनल कंट्रोल का मतलब होता है कि किसी भी डिपार्टमेंट को ओवरऑल कंट्रोल करना ऑर्गेनाइजेशन की। इंटरनल चेक मतलब होता है कि स्टाफ की ड्यूटीज को देखना, अरेंज करना। इसका स्कोप बोल्डर होता है, इसका स्कोप ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। फ्लेक्सिबिलिटी, इंटरनल कंट्रोल में मोर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बट इसमें कंपेरेटिवली रिगिड होता है, मतलब कि कुछ हद तक रिगिड होती है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती। सेफगार्ड की बात करें दोनों में, तो इंटरनल कंट्रोल में सेफगार्ड में असेट्स एक्यूरेसी होती है, बट इसमें कोई भी तरह का फ्रॉड और एरर डिटेक्ट नहीं होता इंटरनल चेक। डिफरेंस बिटवीन इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक में डिफरेंस, अब हम पढ़ेंगे इंटरनल ऑडिट के साथ क्या डिफरेंस है। ऑडिट के अंदर भी आप देख सकते हो जो कंपनी के एम्प्लॉयज वगैरह हैं, यहाँ पे लिखा है स्कोप क्या होता है। इंटरनल ऑडिट का मतलब होता है कि कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज वगैरह हैं, एजेंसीज वगैरह, अकाउंटिंग या फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो है वो चेक करने का मतलब होता है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव होता है, इट इज द स्टेट एक्यूरेसी अबाउट इंफॉर्मेशन, कंप्लाइंसिस, प्लान्स एंड पॉलिसीज, ये बना के चलता है इंटरनल ऑडिट। मैं चेक और कंट्रोल का नहीं बता रहा, वो ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये रिजिड होता है, इसमें कोई फ्लेक्सिबल नहीं होता है इंटरनल ऑडिटर में। इसमें अपॉइंट कर सकते हैं आप इंटरनल ऑडिटर, ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। ये स्टार्ट आफ्टर कंप्लीमेंशन द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पूरे हो जाने के बाद ये स्टार्ट करा जाता है। एक लास्ट पॉइंट आ गया है डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिट एंड स्टेचुअरी ऑडिट। तो बेसिस के ऊपर मैं आपको समझाऊंगा सारा, ऑब्जेक्टिव क्या होता है इंटरनल ऑडिट का। इंटरनल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव होता है प्लान एंड पॉलिसीज मेंटेन करना ऑर्गेनाइजेशन की। स्टेचुअरी ऑडिट का जो मतलब होता है वो फेयर और ट्रू कंसर्न के ऊपर बेस होता है, कि हमें ना वो चीज़ें निकालनी है, वो चीज़ें दिखानी है कंपनी की जो ट्रू और फेयर है एक्चुअल में। स्कोप क्या होता है, इसका स्कोप होता है मैनेजमेंट करना, डिटरमाइन करना। इसका स्कोप होता है लो मेंटेन करके चलना। इसका नेचर होता है, वो होता है नॉट लीगल रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट इसमें नॉट ए लीगल रिक्वायरमेंट। स्टेचुअरी ऑडिट इज नॉट ए लीगल रिक्वायरमेंट, बट इंटरनल ऑडिट इज नॉट ए लीगल रिक्वायरमेंट। दोनों ही लीगल रिक्वायरमेंट से अलग हैं। आगे लिखा है क्वालिफिकेशन में, क्वालिफिकेशन मैंडेटरी अंडर लॉ, लॉ के अंदर इनकी क्वालिफिकेशन होना जरूरी नहीं है ऐसा, बट यहाँ पर एक CA आर्टिकल होना चाहिए, मतलब कि प्रैक्टिसिंग CA होना चाहिए ऑडिट करने के लिए। आपको प्रैक्टिसिंग CA माना जाता है, मतलब कि आपने CA के अंडर में काम कर रखा हो, सीख रखा हो। अप्रूवल और रिमूवल में क्या होता है, अपॉइंटमेंट और रिमूवल जो होता है वो डन बाय एक मैन एग्रीमेंट के द्वारा होता है, ठीक है, एजमेंट के द्वारा। और यहाँ पे क्या होता है, अपॉइंटमेंट और रिमूवल जो होता है वो शेयर होल्डर्स के द्वारा होता है। रेमुनेशंस में, रेमुनेशंस डिसाइड कर जाता है मैनेजमेंट द्वारा, इसमें रेमुनेशंस उसके शेयर होल्डर्स द्वारा डिसाइड किया जाता है और डिसाइड किया जाता है उसके ऑडिट के वर्क पे। यहाँ पे रिपोर्ट, इसमें रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं मैनेजमेंट को और इसमें शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट सबमिट करते हैं, ठीक है। नीचे आप देख सकते हो एक लाइन और लिखी है यहाँ पे, इंटरनल ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड बाय मैनेजमेंट हु जनरली एम्प्लॉय द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट के अपॉइंटमेंट करे हुए होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी एक एम्प्लॉय होते हैं।
नेचर, स्कोप, सब चीज़ हमने इसमें डिसाइड कर ली। अब नीचे आ गई समरी। तो ये जो चैप्टर है आपका यहाँ पर खत्म हो चुका है। तो चैप्टर नंबर सेकंड आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, इंटरनल ऑडिट जॉब का पूरा हो गया। ठीक है, आई विश वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जल्दी स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर हो जाएगा, एक मिनट में नाम बता देता हूँ, चैप्टर नंबर थर्ड होगा, रोल ऑफ ऑडिटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, तो जिसको भी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। और अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो नोट्स इजीली आपको मिल जाएंगे, नीचे व्हाट्सअप नंबर आपको मिला हुआ है स्क्रीन पे जो दे रहा है, दिखा हुआ है, इसी नंबर पे आप मुझे मैसेज करो कि सर हमें नोट्स परचेज करने हैं, और मिनिमम अमाउंट पे करके आप नोट्स की सॉफ्ट कॉपी बाय कर सकते हो। ऑल चैप्टर्स होंगे, इजी लैंग्वेज होगी, एग्जाम में फुल पास गारंटीज आपको प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, पास हो जाओगे भाई, नोट्स से बिल्कुल टेंशन मत लो। जिनको नोट्स बाय करने हैं फटाफट से जाओ, मैसेज करो, नोट्स परचेज कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ऑल चैप्टर्स इंक्लूड होंगे नोट्स में। और एक चीज़ और, इसके बाद की जितनी भी वीडियोस आने वाली है सारे लेक्चर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाके एक एक करके आप सारे लेक्चर्स चैप्टर वॉच कर सकते हो। बीकॉम की सारी सीरीज चैनल एक्सप्लेन पे प्रोवाइड करवाई जाएगी, कोई भी सब्जेक्ट हो बीकॉम का, एसओएल, ड्यू, रेगुलर का, सारी सीरीज प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाके उसे भी चेकआउट कर लेना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय, लव यू।